सिला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। क्रिप्टो करेंसी पैनिक इंडिया, क्रिप्टो करेंसी पैनिक, क्रिप्टो पैनिक, क्रिप्टो पैनिक। दोस्तों इतना ज्यादा पैनिक बढ़ गया, इतना ज्यादा पैनिक हो गया पूरी इंडिया में कि क्या है, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। और इसी जो पैनिक का है फायदा जो है थर्ड पार्टी ऐप उठा रही है। थर्ड पार्टी ऐप कैसे उठा रही है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, जिससे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं, वो अपना ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा लोग बहुत तेजी से जो है क्रिप्टो करेंसी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और फिर बेच देते हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि विड्रॉल में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे पे मैसेज आया है, मैं खुद इसको फेस कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं तो कि ब्रोकरेज चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। ब्रोकरेज चार्ज क्यों ज्यादा लग रहा है, वो इसी वजह से लग रहा है कि पूरा इंडिया जो है पैनिक हो चुका है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपको बहुत ज्यादा देने पड़ रहा है। कोई कोई बिटकॉइन को बेचने में 50,000 भी ले रहा है, कोई 40,000 भी ले रहा है, कोई कोई करेंसी, कोई कोई एप्लीकेशन है जो वो 10,000-12,000 ले रही है, जबकि 1,000-1,500 रुपए में ये जो है बिटकॉइन खरीदा या बेचा जाता था। तो इसी पैनिक का फायदा जो है कंपनीज उठा रही है, उनको भी ये सोचना चाहिए यार, इतने टाइम से जो हम इंडियंस जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी से जैसा ही जब इंडिया जैसे ही पैनिक हुआ तो उसकी ब्रोकरेज रेट जो है बहुत हाई कर दी है, ये बहुत गलत हो रहा है। दोस्तों अगर आपके साथ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं और ब्रोकरेज चार्ज उसका क्या ले रहे हैं और क्या आपको लग रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कि मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार हम क्या करें, अब बिटकॉइन जो है बैन हो जाएगा, हम क्या करें, तो दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई भी अगर मैं कहूं कि हमारा जो है बिल जो है वो बन चुका है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से आप बैठे हुए और आपको अचानक से न्यूज दिखेगी, आपको ये आवाज सुनाई दी कि आज मध्यरात्रि, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। देखिए कोई भी बिल बनता है, जैसे कि अब बिल बन चुका है, तो पहले वो मैं 14 या 15 तारीख को, ये फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, 14 या 15 तारीख को ये बिल जो है वो पहले जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जाने के बाद दोस्तों वो फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर वो बिल पास होता है तो उसके बाद वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, जहां उनके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी बैन होती है। तो मतलब ये छोटा ग्राफ नहीं है, बहुत बड़ा ग्राफ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, ऐसी न्यूज बहुत आई है, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को जो है बैन कर दिया जाएगा। न्यूज की बात करूं तो दोस्तों मैं न्यूज़ों के ऊपर नहीं जाता हूं, क्योंकि न्यूज का कुछ पता नहीं होता। अपनी न्यूज को बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी न्यूज दिखाई जाती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो क्या है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। तीसरी जो न्यूज अगर मैं एनडीटीवी की बात करूं, उनकी न्यूज है कि बिटकॉइन को अगर कोई खरीदता बेचता है तो उसको जेल हो सकती है और उसको सजा हो सकती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको सजा देगी। तो दोस्तों मैं ये क्लियर कर दूं, देखिए छोटी सी बात है कि अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं और बिटकॉइन बेचते हैं, फिर आप खरीद लेते हैं बेच देते हैं, तो आपको सजा नहीं होगी, मतलब इस पे कोई सजा नहीं है। इसकी सजा क्या तय की गई है कि अगर कोई बहुत बड़ा लेन देन होता है, कोई थर्ड पार्टी या कोई बड़ी कंपनी उस बिटकॉइन से लेन देन करती है, कोई बहुत बड़ी डील होती है, उसको इंडियन करेंसी ना देके बिटकॉइन की डील से उसको क्रैक किया जाता है, उसका लेन देन किया जाता है, तो उस पर नजर होगी दोस्तों। और ये जो बिटकॉइन है उन लोगों को सजा होगी जो ये बहुत बड़ी डील जो है इंडियन करेंसी ना देके बिटकॉइन की करेंसी से उस चीज को खरीदते या बेचते हैं, उन लोगों को सजा, उन लोगों को जेल हो सकती है। तो जो खरीददार है, जो बिटकॉइन को खरीदते और बेचते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ये नहीं होगा। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी बात मैं आरबीआई की लेता हूं कि आरबीआई कहता है कि हमारे पास फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो चुका है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि आरबीआई के पास फ्रेमवर्क नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आरबीआई भी बढ़ चढ़ के इसमें आ रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है बहुत जल्दी, मतलब अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे पास जो है हमारी इंडियन करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी होगी, हमारी डिजिटल करेंसी होगी, वो लॉन्च हो जाएगी और हम लोग उसका फायदा उठा पाएंगे और उससे खरीद या बेच सकेंगे। ये बहुत बढ़िया न्यूज है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो है इंडियन करेंसी, जो हमारी एक डिजिटल करेंसी है, वो जरूर आनी चाहिए अपने इंडिया में, और इंडियन करेंसी आएगी उससे हम लेन देन करेंगे, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि इंडियन करेंसी आए। मैं इसका बढ़ चढ़ के सहयोग देता हूं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इंडियन करेंसी हमारे पास आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। और जब तक अपडेट के लिए दोस्तों मैं आपको न्यूज चैनल की लेटेस्ट अपडेट दूंगा, मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन न्यूज दूंगा कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, मेरे पास उस पर पल पल की नजर है, कुछ भी अगर अपडेट्स आता है मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू।